अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Muslim, Sikh, Isai, aapas mein hai bhai bhai. Kala kanoon, aapas lo. Kala kanoon, aapas lo. Siye, aapas lo. Siye, aapas lo. Kala kanoon, aapas lo. Siye, aapas chalegi, nahi chalegi. Modi teri tana. ये आज अजमेर में CAA और NRC के विरोध में छठा विरोध प्रदर्शन है और हम इस विरोध प्रदर्शन को जब तक जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लाया जाएगा। और मैं एक बात और आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पूरी जनता CAA के खिलाफ नहीं है। CAA कोई नया कानून नहीं है, पुराना कानून है, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो मजहबी आधार पर किया गया। अगर आपको लेना है तो तिब्बत के शरणार्थी को भी इसमें लें, आप श्रीलंका के जो तमिल आए उनको भी लें, बर्मा से भी जो लोग आए उनको भी लें और मुसलमानों को भी इसमें जगह दें, तो कोई इसका विरोध नहीं करेगा। कोई विरोध करेगा भाई इसका? कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन ये पक्षपात रवैया, ये RSS की पॉलिसी, ये मनुवादी पॉलिसी पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं, इसका हम सब पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है हम इसका विरोध करते रहेंगे। फिर में सरकारें बनती है बिगड़ती है, सरकारें तो काम है, सरकारों को आना और चले जाना, लेकिन देश का आम आवाम अगर ये चाहता है कि ये कानून वापस लो। पूरे देश में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ प्रांत में आग नहीं लगी हो, पूरे प्रांतों में पूरे सूबों में आग लगी हुई है, हर जगह इस चीज़ का विरोध हो रहा है। फिर जब इस चीज़ का विरोध हो रहा है, देश का आम आवाम ये चाह रहा है कि इस कानून को वापस लो, फिर ऐसी क्या हठधर्मिता है अमित शाह और मोदी की कि वो इस कानून को वापस नहीं लेना चाहता है। देखो वैसे तो आपका अधिकार है, बहुत ही मुश्किल से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान की रक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया और उस कानून के तहत संशोधन आप कर सकते हो, लेकिन संशोधन आप तब कर सकते हो जब पूरा देश का आवाम आपके साथ हो। अगर बड़े बड़े मैं बता दूं आपको कि ऐसे ऐसे वाक्या भी देश में आए हैं कि लोगों ने जो मिनिस्टर रहे उन्होंने अपनी बात को लेकर के इस्तीफे तक दे दिए। आज अगर आम आवाम पूरे प्रदेशों में आग लग रही है तो सोचना पड़ेगा सरकार को, मोदी को भी, अमित शाह को सोचना पड़ेगा, ये कानून वापस लेने पड़ेगा। और अगर ये कानून वापस नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे सूबों में इनकी सरकारें खिसक रही है और आने वाले समय में दिल्ली में भी इनको जवाब मिलेगा, बिहार में भी जवाब मिलेगा, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ चुनाव में इनको मुँह की खाना पड़ेगी। नहीं तो इनको सोचना पड़ेगा कि ये कानून आम आवाम के हक में नहीं है, जो चीज़ आम आवाम के हक में नहीं है उसे इनको वापस लेना चाहिए। हर धर्मता को, मोदी को और शाह को छोड़ना चाहिए, हमारा ये राय है। मैं विजय का नागोरा, चेयर कांग्रेस महामंत्री।